नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के साथ साथ कहीं न कहीं लाखों कैंडिडेट्स का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और सभी के सभी कैंडिडेट्स को या तो जस्टिस का इंतजार है, न्याय का इंतजार है, या फिर कैंडिडेट्स की डिमांड है कि भाई बीच का रास्ता निकाल करके जल्दी से जल्दी इस निर्णय के ऊपर पहुंचा जाए कि करना क्या चाहिए। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर बीटीसी बनाम बीएड को लेकर के, जो पिछले साल से चर्चा में रहा और चर्चा में लूप में रहने के साथ साथ दिसंबर 2022 में जैसे ही केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज हमारे सामने आती हैं उसके बाद बीटीसी बनाम बीएड का ये मुद्दा और गर्म होता नजर आया। और फरवरी में कुछ एग्जामिनेशन के रिजल्ट आउट होने के बाद पहले ये मसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको टाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब मानकर चलिए कि दिसंबर के बाद से लेकर के अब तक कायदे से देखा जाए तो कोई डिसीजन मेकिंग इसके ऊपर हुआ नहीं, 6 से 7 महीने जा चुके हैं। अब बीटीसी बनाम बीएड का मसला है क्या, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देख लेते हैं। बीटीसी बनाम बीएड, ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों अध्यापक बनने के राह में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बीटीसी वाले जो प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए यहाँ पर बाध्य हैं, उनका ये कहना है कि भाई बीएड वालों को कंप्लीटली प्राइमरी टीचर बनने के इस वाले सेगमेंट से बाहर कर दिया जाए क्योंकि बिल्कुल ये सही नहीं है, क्योंकि बीटीसी में पहली सीट्स कम आती हैं, कंपटीशन बहुत हाई है, ऊपर से जब बीएड वाले इसमें आ जाते हैं तो सीट्स कम होती है और यहाँ पर कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारा जो कहीं ना कहीं टर्म कंडीशन बीटीसी वालों के लिए फुलफिल होता नजर नहीं आता, पहली बात है। अब यहाँ पर 2018 में दिसंबर से लेकर के अब तक बीएड वालों को जो पहले केवल टीजीटी और पीजीटी के लिए यहाँ पर पेपर का फॉर्म भरने के लिए बाध्य थे अध्यापक के रूप में, उनको सिटेट पेपर वन के लिए एलिजिबल कर दिया गया और कहा कि भाई अब आप भी 2018 के बाद से प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो जब ये पूरे के पूरे मसले को उठा करके देखते हैं तो इसमें कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सिचुएशंस पहले से फॉर्म होती चली आ रही हैं उसको लेकर के कैंडिडेट्स परेशान हैं। बीटीसी वाले चाहते कि बीएड वाले बाहर हो, बीएड वाले चाहते कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए क्योंकि मेहनत दोनों ने की है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ पर हम एक निर्णय की बात करते हैं, 2022 जनवरी के बाद से लेकर के जनवरी का पूरा एक साल निकल गया, 6 महीने ये जा चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट 1.5 साल का पूरा समय जाने के बाद अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई फाइनल जजमेंट नहीं दिया है। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी एक पक्ष के ऊपर यहाँ पर निर्णय दें, लेकिन कुल मिलाकर के चिंता का विषय ये है कि इस निर्णय की वजह से जो लाखों कैंडिडेट्स का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में तो नजर आ ही रहा है और केवीएस में रिजल्ट आने के बाद से रिजल्ट के ऊपर कोई डिक्लेरेशन हुई नहीं है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। जब सुप्रीम कोर्ट में मसला चला गया तो केंद्रीय विद्यालय ने बीटीसी वालों का और बीएड वालों का जिन्होंने भी पेपर में अप्लाई किया था, जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया, उनकी अलग अलग लिस्ट बना दी गई है और अब केंद्रीय विद्यालय भी क्योंकि बाध्य बिल्कुल नहीं है रिजल्ट देने के लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तो लिस्ट बना करके तैयार बैठे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा कि भाई बीटीसी वाले एलिजिबल हैं तो उनकी लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी और जैसे बीएड वालों का यहाँ पर एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो उनकी लिस्ट को रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जब पूरे पिक्चर को देखते हैं तो हर एक संगठन अपने अपने तरीके से अपने अपने चीजों को लेकर के काम कर रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक आउटकम ये है कि खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि कैंडिडेट्स के भविष्य का क्या किया जाए। तो बिल्कुल कमेंट करके आप भी बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। 31 जुलाई के बाद तक ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हम इसके ऊपर एक फाइनल जजमेंट दे देंगे, लेकिन अनिरुद्ध बोस जी के अंडर ये जो बेंच काम कर रही है 17 जुलाई के बाद से जितने भी केसेस पेंडिंग थे सुप्रीम कोर्ट को सबको सस्पेंड करके कहा गया कि बाद में विचार करेंगे। अभी बाद का विचार अगस्त भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 2024 भी हो। तो कुछ कहना कह पाना एक फाइनल आउटकम के लिए कह सकते हैं कि भाई निर्णय निष्कर्ष क्या है एक मुश्किल काम है। अभी यहाँ पर कैंडिडेट्स का अगर हम एक पूरा भविष्य देखें तो न गलती बीटीसी वालों की है न गलती बीएड वालों की है, बिल्कुल एक गुजारिश एक अध्यापक होने के नाते और एक कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की तरफ से बस यही एक हम पॉजिटिविटी की बात कर सकते हैं कि दोनों पक्षों को लेकर के एक बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट को निकालने की जरूरत है जहां पर किसी भी पक्ष का किसी भी कैंडिडेट्स का नुकसान ना हो, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने कहीं ना कहीं लंबे समय से लेकर के अब तक एक लंबी स्ट्रगल की है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और बिल्कुल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पॉजिटिव जस्टिस की उम्मीद बिल्कुल लेकर के हम चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैंडिडेट्स के साथ सहानुभूति दिखाएगा और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालेगा जिसमें नुकसान किसी कैंडिडेट्स का ना हो।
क्योंकि यहाँ पर अगर एक कैंडिडेट का नुकसान होता है तो केवल एक कैंडिडेट की बात नहीं है, यहाँ पर उसके पीछे सालों की जो उसने मेहनत की है, कहीं ना कहीं उसका ये जो भविष्य है एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसके ही सामने ध्वस्त होता हुआ नजर आएगा, और वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक बेहतर संदेश नहीं होगा। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं जरूर आपको बताऊंगी। बाकी तैयारी के लिए बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ, और होप को बेहतर बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफल बनने का यही एक रास्ता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।